हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सभी प्रकार के विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व रखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी के कई प्रकार शामिल होते हैं और सबका अपना अपना अलग महत्व है और विटामिन बी 12 उन्हीं में से एक है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक और लाभदायक है। विटामिन बी 12 का एक और नाम कोबाल्मीन भी है। यह सिर्फ एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विटामिन है। शरीर में जब इसकी कमी होने लगती है तो शुरुआत में इसका कुछ पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे शरीर में इसके कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे शरीर में कमजोरी आना, थकावट रहना, आंखें कमजोर होना या आंखों से संबंधित रोग होना, किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव से जल्दी प्रभावित होना, भूख कम लगना, खून की कमी होना, हड्डियों से संबंधित रोग, जोड़ों में दर्द, कमर और पीठ दर्द होना, हाथ पैरों का सुन्न होना, सुई जैसा चुभना, मानसिक रोग होना, तंत्रिका तंत्र का बिगड़ना, बांझपन की समस्या, त्वचा और नाखूनों का पीला पड़ना, मुंह में छाले होना, याददाश्त में कमी और डिप्रेशन होना, बार बार डायरिया या कब्ज का होना, ये सभी लक्षण विटामिन बी 12 की कमी के हो सकते हैं। इसलिए समय पर ही इन्हें समझकर इसका जल्दी ही उपचार भी करना चाहिए, वरना शरीर अन्य कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ सकता है। विटामिन बी 12 शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। लाल रक्त कणिकाओं को बनाने का काम विटामिन बी 12 ही करता है। ये शरीर के सभी हिस्सों के लिए अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाने और उसे सही स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। इसका मेन काम है ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखना। ये शरीर के जीन्स और डीएनए बनाने में मदद करता है। विटामिन बी 12 की कमी दरअसल शरीर द्वारा उसके अवशोषण की कमी के कारण होते हैं। लंबे अरसे तक दवाइयों का सेवन, गलत जीवन शैली या बढ़ती उम्र के साथ साथ भी इसके अवशोषण की क्षमता कम होती जाती है। यानी हम जिन आहार का सेवन करते हैं उससे शरीर में विटामिन बी 12 का अवशोषण होता है। अगर शरीर सही तरह से विटामिन बी 12 का अवशोषण नहीं कर पाता है तो इसकी कमी हो सकती है। वैसे इसकी कमी होना एक आम बात है, परंतु इसकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं होती। वैसे तो ये माना जाता है कि मांसाहारी आहार में ही विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बहुत से मांसाहारी लोगों में भी इसकी कमी होती है। बहुत से ऐसे शाकाहार आहार भी हैं जिसमें विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यदि शाकाहारी लोग पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 12 से भरपूर आहार का सेवन करें तो इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ, पनीर, मक्खन, खोया, दही, लस्सी, छाछ, इसके अलावा सभी प्रकार के फ्रूट्स, हरी सब्जियां, स्प्राउट्स, काजू और तिल, चावल, ओट्स, ब्रोकली, सोयाबीन, सोया मिल्क, सोया पनीर, मशरूम, खनिज युक्त अनाज, फर्मेंटेड फूड यानी खमीरीकरण द्वारा तैयार किया गया भोजन जैसे इडली, डोसा, ढोकला, जलेबी, भटूरा आदि, इन सभी में विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में होता है। इस प्रकार आपने जाना विटामिन बी 12 क्या होता है, इसकी कमी के लक्षण और इसके उपाय क्या है। धन्यवाद दोस्तों।